देखिए ये क्वेश्चन है, पूछा गया, ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है, ताज़ा ताज़ा जवाब है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका जनरल जवाब नहीं दे सकता सर। व्हाट विल बी द मिनिमम मार्क्स लिमिट विच विल मेक अस एबल टू चूज अवर ओन कॉलेज एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लाइक 70-80 कितने होंगे? तो आपका जवाब जो है, क्वेश्चन ठीक है, लेकिन जवाब के लिए कितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। आप किस एरिया में रहते हैं, मतलब एरिया का इन्फ्लुएंस है, एरिया कैसे इन्फ्लुएंसिव है, क्योंकि कई एरिया में कॉलेज नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर नंबर ऑफ कॉलेज ज़्यादा है, अच्छा नंबर ऑफ कॉलेज प्लस सीट्स, सीट्स कई में 200-200 सीट्स हैं, ज़्यादा कॉलेज हैं, तो वहाँ कंपटीशन कम है, इजीली सीट मिल जाएगी, कम नंबर में मिल जाएगी और सब्जेक्ट भी अवेलेबल हैं। तो कॉलेज यहाँ पर क्यों लिखा है मैंने कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफर करना है या प्राइवेट या एडेड, ये रहा गवर्नमेंट, ये रहा प्राइवेट और ये रहा एडेड। एडेड भी बहुत कम है, गवर्नमेंट भी बहुत कम है, प्राइवेट बहुत ज़्यादा है, 200 टोटल लगभग कॉलेज हैं, है ना। तो 3-4-5 गवर्नमेंट कॉलेज है, एडेड कॉलेज मेरे ख्याल में होंगे सारे गिनती में 10-15 का कॉलेज, 15 होंगे, है ना, इसकी अलग से वीडियो आ जाएगी। तो यूनिवर्सिटी कौन सी है, फॉर एग्जांपल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाबी PUP पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ये थोड़ी रिलैक्स्ड यूनिवर्सिटी हैं। फॉर एग्जांपल आप की जो सब्जेक्ट की रिलैक्सेशन है, आप NCT के मुताबिक या गवर्नमेंट जॉब के मुताबिक, सॉरी गवर्नमेंट जॉब के मुताबिक एलिजिबल नहीं हो, लेकिन BEd करवा देते हैं, तो ये फ़र्क पड़ता है। सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें से क्या है, ये कॉलेज किस में जाना है और ये सब्जेक्ट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट आपका SST है और मुझे नहीं पता, ये सभी कॉलेज में है पंजाबी सब, चलो ये तो आपको माइनर लैंग्वेज, माइनर सब्जेक्ट है ना, मेजर सब्जेक्ट आपने फिल करना है, माइनर आपको कॉलेज ने देना है। SST है, ये सभी कॉलेजेस में है। अब जो साइंस है सभी कॉलेज में मिल जाएगी आपको, जो एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, स्पेसिफिक है, PGT के लिए एलिजिबिलिटी, ऐसे कॉम्बिनेशन है, वो सभी कॉलेज में मिलेंगी नहीं। लैंग्वेज ऑनर वाले हो तो ऑनर एज ए लैंग्वेज एज ए मेजर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज की है, वो सभी कॉलेजेस में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मार्क्स ज़्यादा चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। इस सिचुएशन में आपको मार्क्स, अगर कॉलेज आपके इर्द गिर्द बहुत है, सीट्स ज़्यादा हैं ना ऐसे एरिया में हो, तो सीट्स कम है। फॉर एग्जांपल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कई एरिया में कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं, तो आप किस एरिया में रहते हो, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में सबसे कम कॉलेज हैं, तो यहाँ पर मार्क्स थोड़े ज़्यादा लेने पड़ते हैं। और कैटेगरी, अगर रिजर्व कैटेगरी है और इससे तो आपको कम मार्क्स लेने पड़ेंगे, और अगर जनरल कैटेगरी है तो कंपटीशन गवर्नमेंट के लिए पर्टिकुलरली होगा। लेकिन दूसरा, आप कोटा किस में कर रहे हो, यहाँ पॉइंट नहीं लिखा, कोटा मतलब कि आपने पंजाब कोटा में 85% में अप्लाई कर रहे हो या 15% अदर स्टेट कोटा उसमें अप्लाई कर रहे हो, ये सीट्स तो खाली जाती हैं मोस्टली, तो आपका जो रेजिडेंस है उसी में अप्लाई करोगे। तो इसके लिए मैं इतना क्या क्यों बताया कि ये मैंने ऑलरेडी वीडियो जारी किए हुए हैं कि आपके कॉलेज, आप किस कॉलेज में लेना चाहते हो, उस कॉलेज में जो लास्ट सीट गई है उसकी मैंने अलग अलग से वीडियो बनाई है। आप वो 2-3 कॉलेज बता दो कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा कि उसकी लास्ट किस सब्जेक्ट में, आपका सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा और बाकियों का भी भला हो जाएगा, कोटे किस में है और कैटेगरी कौन सी है, कितनी लास्ट सीट है, एक सीट लास्ट में बची थी सेकेंड काउंसलिंग में और लास्ट वो 68.5 पर गई है, ऐसे मैं इंपीरिकल, ये 2022 का है, ये मेरे पास डाटा सारा पड़ा है, तो मैंने क्या करना है आपके लिए ही रखा है, 2022 की जो सेकंड काउंसलिंग है BEd की, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने ही कंडक्ट की थी, वो सारी मेरे पास पड़ी है। तो आप जो बोलोगे उसकी मैं जस्ट 2 मिनट की वीडियो होगी वो डाल दूंगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो लेकिन उसको मिनिमम लेके चलना, आपने मार्क्स उससे थोड़े से ज़्यादा ही लेने हैं, कई बार चांस फैक्टर होता है किसी कैटेगरी में हाई स्केल वाला बच्चा आ जाता है ना, तो ये हो सकता है। थैंक यू।